स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ क्लास प्लस वन फ्रॉम द यूनिट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और हम इस लेक्चर के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे पहली टर्म है मोलिलिटी। हम इसको डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके अंदर एक किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के डिजोल्ड होते हैं उसे हम बोलते हैं कि वो मोलिलिटी है। मोलिलिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल एम के द्वारा। और अगर हमने इसको एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है तब हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। और पहले भी बताया था मैंने मोलिलिटी के अंदर कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं। जब हम मास ऑफ सॉल्यूट को मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड करते हैं तब हमारे पास आते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम के अंदर दिया हुआ हो तब उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। और किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं। कैलकुलेट द मोलिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इन विच 1.325 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट जिसका मोलिकुलर मास है 106 इज डिजोल्ड इन 250 ग्राम ऑफ वोटर। तो जैसा कि पता ही है कि न्यूमेरिकल के अंदर सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट 1.325 ग्राम, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट 106 ग्राम पर मोल, मास ऑफ सॉल्वेंट 250 ग्राम। हमने मोलिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई किया, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट 1000 डिवाइड में मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनके मास को हमने ए और बी के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं और वैल्यू पुट करके यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म है मोल फ्रैक्शन। और इसको हम डिफाइन करेंगे कि रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट परसेंट इन द सॉल्यूशन। कि मोल फ्रैक्शन एक रेशो है और किसकी रेशो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट किसी भी कंपोनेंट के मोल, और उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, उसे हम बोलेंगे कि वो मोल फ्रैक्शन है। इसको हम डिनोट करते हैं एक्स के द्वारा। हमने मान लिया कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि सॉल्वेंट को हमने 1 के द्वारा रिप्रेजेंट करना है और सॉल्यूट को हमने 2 के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। तो N1 क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, N2 क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं, एक्स 1 के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, ये किसके बराबर होगी, N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, X2 के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और एक बात यहाँ पर ये ध्यान में रखनी है कि जो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन है ऑल कॉन्स्टिट्यूंट का एक सॉल्यूशन के अंदर वो 1 के बराबर होता है हमेशा ही। और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दो कंपोनेंट थे 1 और 2, इसलिए दोनों की जो मोल फ्रैक्शन का सम है वो 1 के बराबर होगा। इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले रहे हैं कि इफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 मोल्स ऑफ एल्कोहल एंड 6 मोल ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। एक सॉल्यूशन है
जिसमें 4 मोल अल्कोहल के हैं, 6 मोल वाटर के हैं। हमने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है अल्कोहल और वाटर की। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल, 4 मोल दिए हुए हैं, तो द टोटल नंबर ऑफ मोल्स अल्कोहल और वाटर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स जोड़ देंगे और यहाँ से मोल फ्रैक्शन आ गई 0.4। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स 6 मोल दिए हुए हैं डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो 6 डिवाइड में 10 और 0.6 आ गया। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि जो मोल फ्रैक्शन है इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म है नॉर्मलिटी, और इसको हम डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसोल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसोल्व्ड होते हैं उसे हम उसकी नॉर्मलिटी बोलते हैं, और इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एन के द्वारा। अगर हमने इसको एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है तब हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और हमारे पास यहाँ पर एक नई टर्म आ गई है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट क्या होते हैं, जब हम गिवन मास ऑफ सोल्यूट को इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट से डिवाइड करते हैं तब हमारे पास आते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। और एक और टर्म आ गई हमारे पास इक्विवेलेंट मास। ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो अलग अलग सब्सटेंसेस के केस में अलग अलग तरह से इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना पड़ता है। सबसे पहले हम देखेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। जब हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड को बेसिसिटी ऑफ एसिड के द्वारा डिवाइड करते हैं तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड आ जाता है। बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी होती है एक एसिड जितने भी एच पॉजिटिव आयन डिस्प्लेस कर सकता है वो उसकी बेसिसिटी होती है। जैसे H2SO4 को ले लें तो वो 2 हाइड्रोजन आयन दे सकता है, HCl को ले लें तो वो 1 हाइड्रोजन आयन दे सकता है। तो जितने भी हाइड्रोजन आयन देगा एक एसिड वो उसकी बेसिसिटी होगी। इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस क्या होगा, जब हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस को एसिडिटी ऑफ बेस के द्वारा डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। और एसिडिटी यहाँ पर एक नई टर्म आई है, और यहाँ पर एक नई टर्म आ गई है एसिडिटी। एसिडिटी होती है एक बेस जितने भी OH नेगेटिव आयन दे सकता है या हम कह दें डिस्प्लेस कर सकता है वो उसकी एसिडिटी होती है। जैसे हम एग्जांपल ले लें कि NaOH है हमारे पास, तो NaOH कितने OH नेगेटिव देगा, 1 देगा। इसी तरह से CaOH ट्वाइस ले लें हम, ये कितने देगा, 2 OH नेगेटिव देगा। तो OH नेगेटिव आयन जितने भी देगा वो उसकी एसिडिटी होगी। इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट ले लें, जब हम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, देखो पहले हम मॉलिक्यूलर मास ले रहे थे और अब हम क्या ले रहे हैं, एटॉमिक मास ले रहे हैं, क्योंकि हम एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए एटॉमिक मास लेना पड़ेगा। और हमें क्या करना पड़ेगा, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट के द्वारा डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरह से इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट हम ले लेते हैं, तो जब हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ साल्ट को डिवाइड करेंगे टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल एटम से तब हमारे पास आ जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट। इसी तरह से इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन है, तो जब हम फॉर्मूला मास ऑफ आयन को चार्ज ऑन आयन से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन आ जाएगा। इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले रहे हैं,
0.49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज डिजोल्ड इन द 250 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स नॉर्मलिटी। तो मास ऑफ सॉल्यूट 0.49 ग्राम दिया हुआ है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूलर मास डिवाइड में बेसिस्टी कर दिया, 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट आ गया। फॉर्मूला हमने अप्लाई किया यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्यूट बाय द इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट 1000 डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से जीरो को कैंसिल कर दिया, 25 से 100 को कैंसिल कर दिया, पॉइंट हटा दिया 100 आ गया, 49 से 49 कैंसिल हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर कह सकते हैं कि 4 डिवाइड में 100 आ गया, और यहाँ से 0.04 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर हमारा आंसर आ गया। थैंक यू।